सावधान, कहीं आपके अचार में चूहा तो नहीं। आप महसूस कीजिए कि जो अचार आप खाने के स्वाद में जायका लाने के लिए दुकान से खरीद कर प्रयोग करने जा रहे हैं, उसमें अचार की जगह अगर मरा हुआ चूहा निकल आए तो आपको कैसा महसूस होगा। जी हाँ, ये 100% सही है। और मेनपुरी में एक मिक्स अचार के डब्बे में मरा हुआ चूहा निकला, जिसके बाद जब उस ग्राहक ने इसकी शिकायत दुकानदार से जाकर की तो उस दुकानदार ने अपनी गलती ना मानते हुए उल्टा ग्राहक पर ही रुपए ऐंठने का इल्जाम लगाते हुए अपने अचार को एकदम सही बताया, जिसके बाद ग्राहक ने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में की। चूँकि अचार का डिब्बा सील बंद था और उसमें बाहर से चूहा साफ नजर आ रहा था, इस शिकायत पर वहां के अधिकारियों ने तत्काल ही एक टीम गठित की और दुकानदार पर छापा मारा और उसकी उस जगह पर छापा मारा जहां पर उसका अचार निर्मित हो रहा था। मुआयना करने के बाद उस डिब्बे को ग्राहक और दुकानदार के सामने पैकिंग को तोड़कर खोला गया तो ग्राहक की शिकायत मौके पर सही पाई गई और उसमें से मरा हुआ चूहा निकला, जिसके बाद उस डिब्बे को दोबारा सील कर मौके पर और भी सैंपल भरे गए। हालांकि अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की बात की है, भी कार्रवाई की जा रही है जिससे कि आगे जो है वो माल को न दे सके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुंदर पटेल है, मैं लोकल सुरक्षा अधिकारी जी। पूरा मामला जनपद मेनपुरी के बड़े चौराहे पर स्थित एक काफी सालों से बेचते चले आ रहे अचार की दुकान का है। यहां से ग्राहक ने मिक्स अचार का डिब्बा खरीदा और घर लेकर चला गया। घर जाने के बाद ग्राहक का कहना है, जब हमने अचार को खाने के लिए उपयोग करना चाहा तो उसमें कुछ पड़ा हुआ बाहर दिखाई दिया, जिसके तत्काल बाद वो उस सील बंद अचार के डिब्बे को लेकर शिकायत करने दुकानदार के पास गया तो उस दुकानदार ने उल्टा ग्राहक पर ही पैसे ठगने का आरोप लगाते हुए अपने अचार को सही बताया, जिसके बाद उस ग्राहक ने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में की। हालांकि बाहर से ग्राहक की शिकायत सही पाए जाने का अंदेशा लग रहा था, इस शिकायत पर तत्काल अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए एक टीम बनाई और उस अचार की दुकान पर छापा मार कर कार्यवाही की, जिसके बाद उन्होंने उस जगह का भी स्थलीय निरीक्षण किया और जहां अचार निर्मित होता है अधिकारियों ने ग्राहक और दुकानदार के सामने अचार के डिब्बे को खोला, जिसके बाद उस अचार के डिब्बे में से मरा हुआ चूहा निकला, जिसके आधार पर ग्राहक की शिकायत सही पाई गई। अधिकारियों ने मौके से डिब्बे को दोबारा सील किया और वहां से और भी सैंपल लिए। हालांकि जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है उसमें अचार के विक्रेता द्वारा घोर लापरवाही सामने आई है और ग्राहक की ये शिकायत पूरी तरह से सही पाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस शिकायत पर यहां के संबंधित अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुसार ऐसे दुकानदारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे आगे से दुकानदार ऐसी घोर लापरवाही ना कर सके। कहाँ रहते हैं आप? क्या समस्या क्या ये क्या है बताइए? अचार लिया था हमने कल नाइट में। अचार कहाँ से लिया था मैंने? ये अपने बड़े चौराहे की दुकान है ना। क्या नाम है उस दुकान का? दुकान का नाम है बाबा भंडार कुछ इस तरीके का है। तो मैंने सुबह जब उठाया मैं बोला अपनी सिस्टर से, मैंने जाओ अचार ले आओ, अचार छत पराठे खाने। तो मेरी सिस्टर ने बोला, भैया ये कैसा अचार लेके आए हो तुम, इसमें अजीब सा कोई कीड़ा दिख रहा है मुझे। मैंने ऐसा नहीं हो सकता, जब देखा तो उसमें कीड़ा ही था। फिर मैं दुकान पे गया उनकी, मैंने भैया तुम अचार बेचते हो क्या, कोई चीज़ बेचते हो, देख लो क्या है। तो अचार वाले बोले, अंदर आ जाओ आप, जो भी आपको बात करनी अंदर आ जाओ आप। बोले दूसरा डब्बा दे रहे, पहले बोले डिब्बा से मतलब थोड़ी नहीं होती है, मतलब क्या है, भी कोई मर जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाती, फिर क्या करते आप। बोले आप किसी से मुझ कुछ मत बोलो, ये जो भी हो पैसा ले दे के बात खत्म कर। अचार जो था आपने कौन सा अचार खरीदा था? मिक्सचर, मिक्सचर अचार खरीदा था। कितने रुपए का खरीदा था? वो 120 रुपए केजी दे रहा था। मैंने कि कोई भी उसमें कोई मैनेज नहीं किया जाएगा, बोला 110 रुपए केजी लग जाएगा। अच्छा, 110 रुपए का अचार दिया था मिक्सर। अब इसमें क्या क्या पड़ा, क्या हुआ, क्या लग रहा है आपको, क्या है इसके अंदर? बहुत अजीब टाइप का कीड़ा है। क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको? लग रहा है चूहा टाइप का, कुछ सड़सा गया है वो, उसके बालों से महसूस हो रहा है। चूहा है, मरा हुआ? मरा हुआ पूरा, काफी समय से मरा हुआ है, गलसा गया है बिल्कुल। आप दुकान पे गए थे क्या? गए थे हम, उन्हें दिखाया था हमने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पहले आप चुप हो जाइए, उनके कस्टमर रहते पहले से। बोले कस्टमर जाने दे तो बात करते हैं, दोबारा से देगा बोले दूसरा डब्बे ले जाओ तुम। बोले दूसरा डब्बे ये और एक डब्बा थोड़ी नहीं होता, मतलब क्या है, अगर ये कोई खा लेता, किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती तो क्या करते आप। बोले शांत रहो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, दूसरा डब्बा ले जाओ आप और जो ले देके मेरा ये बात खत्म कर लो। अच्छा, ले देने वाली बात की है। मौके पर अधिकारी का कहना है कि एक शिकायत आई थी जिस पर तत्काल टीम बनाकर कार्रवाई की गई है, ग्राहक की शिकायत सही पाई गई है। ये बाबा बांड के नाम से अचार को बनाने में काम करते हैं, इसमें जो भी नियम होंगे उसके आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और भी सैंपल मौके से लिए गए हैं।
एक शिकायत के आधार पर की गई थी, कोई उपभोक्ता ने जो है वो डब्बे अचार का लिया गया था दुकान से खरीद कर, तो वहाँ पर उसने कहा कि इसमें चूहे हैं। खैर, उसकी शिकायत पर तुरंत टीम गठित कर छापेमारी की गई है। टीम में मैं मुख्य सुरक्षा अधिकारी रामचंद्र पटेल हैं और श्याम बहादुर सिंह खास सुरक्षा अधिकारी हैं जी। तो यहाँ पर इसका प्रतिष्ठान बड़ा चौराहे पर है और बाबा आचार मुरब्बा के नाम से, तो वहाँ पर चेक किया गया तो बिक्री प्रतिष्ठान अंडरग्राउंड है, उसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज है। तो स्टोरेज पर थोड़ा स्वास्थ्यकर स्थितियों में नहीं था, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया सुधार के लिए। इसके बाद ये अंदर जो है यहाँ निर्माण होता है, ये परिसर है, तो यहाँ पर भी छापा मार कर देखा गया है। तो इसमें ये लोग काम करते हैं, हालांकि लाइसेंस लिए हुए हैं जी सही से। तो यहाँ सफाई की स्थिति तो ठीक है, और इसमें दो सैंपल भी किए गए हैं, एक किलो और आधा किलो के, और जो शिकायतियाँ क्या था उसको भी खोल करके देखा गया, तो शिकायत सही पाई गई थी। सर, तो क्या निकला, क्या निकला था शिकायत के आधार पर? क्या ये लापरवाही की शिकायत थी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें चूहे निकला है, ये बात सही है। चूहे का बात सही है। सर, किस तरीके की कार्रवाई अब होगी? कार्रवाई सैंपलिंग की गई है और उसको जाँच के लिए भेजा जाएगा विकास में, और वो जो है वो चूहे वाली डब्बा है उसको भी पुट अप किया जाएगा, और उसके आधार कानूनी रूप से जो भी इनका पेनाल्टी लगनी है वो लगेगी। सर, अगर उस अचार का वो यूज हो जाता तो किस तरीके की अगर उसे हो सकती थी? तो देखिए, इस पर तो बहुत साइंटिफिक व्यू मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ जगह तो चूहे खाते नहीं हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन ये है कि ये गलत है, और कोई शाकाहारी चीज़ है तो उसको शाकाहारी ही रहना चाहिए सर। और ये गलती मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर लापरवाही की है, क्योंकि कोई भी अपना व्यापार तो इस तरह से करेगा नहीं कि उसका व्यापार नष्ट हो जाए, तो लापरवाही है। उसका संशोधन दे दिया गया और आवश्यक सुधार के लिए भी इनको निर्देश दिए जा रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। सर, आपकी दुकान से एक ग्राहक है जिन्होंने अचार खरीदा, उनका कहना है कुछ अचार में कुछ पड़ा हुआ है? कुछ नहीं, वो उनको एकदम को ठगने आए हैं टेबल पैसे लेने के लिए। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं आपके पास? कुछ नहीं, अचार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।